मुंगेली में शहरवासियों को बहुत प्रतीक्षित गार्डन की बहुत जल्द सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि वर्ष 2015 में ये गार्डन निर्माण के लिए नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले के भेंट चढ़ गया था, मगर वर्ष 2019 से सीएमओ राजेंद्र पात्र ने इस गार्डन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया। हालांकि इस बीच में फंड की कमी के चलते ये गार्डन प्रोजेक्ट फिर लड़खड़ा गया, मगर वर्तमान सरकार से 50 लाख रुपए के आवंटन के बाद ये प्रोजेक्ट तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में ये राजनीति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। वासियों का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। नगर के लोग काफी दिनों से एक गार्डन के जो मन में स्वरूप बनाए हुए थे, धरातल स्तर पर गार्डन तो नहीं था, इसके लिए बकायदा करोड़ों रुपए खर्च की गई थी। बात 2015 की है, जब तत्कालीन जो नगर पालिका अधिकारी है उन्होंने गार्डन की नींव रखते हुए करीब 1 करोड़ और 63 लाख खर्च करने के बाद खंडहर रूप में वर्तमान जो हमारे सीएमओ हैं, अभी राजेंद्र पात्रे वर्तमान में यहाँ के सीएमओ हैं, उन जब ये इन्होंने ज्वाइनिंग की उसके बाद प्रमुखता से गार्डन को फोकस करते हुए जिस तरीके से उन्होंने इस काम पर फोकस डालते हुए काम किया सबके सामने में है, और बहुत जल्द शहरवासियों को सौगात भी देने वाले हैं। गार्डन को पूरा मूर्त रूप में जिस तरीके से बनाना चाहिए वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर आप बताएंगे, जब आपने यहाँ ज्वाइनिंग ली मुंगेली नगर पालिका में तो गार्डन किस रूप में थी? यहाँ पर 7-8 फीट के घास थे, बेर गंगा इमली जैसे पेड़ उगे हुए थे। फिर हमने फाइल का अध्ययन किया, फाइल का अध्ययन करके ठेकेदार को इसमें काम करने के लिए कहा कि जितने का भुगतान हुआ है उतना काम पूरा कंप्लीट करके दो। ठेकेदार यहाँ पर काम शुरू किया और जब देखे फाइल पढ़ने के बाद पता चला कि इसके लिए और राशि की आवश्यकता होगी, तो सीएम सर आए थे, तो सीएम सर के सामने मांग रखे कि इसमें और पैसे लगेंगे, तो सीएम सर 50 लाख की घोषणा किए। उस 50 लाख के घोषणा के बाद उस पर टेंडर करके अभी वर्क ऑर्डर हो गया है और अभी उस पर काम जारी है, और ये बहुत जल्द लगभग 1 महीने के भीतर कंस्ट्रक्शन और जो पेड़ पौधे लगाने का काम कंप्लीट हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये अक्टूबर के बाद कभी भी खुलने के योग्य है। नगर के लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि गार्डन मुंगेली वासियों का है, इसलिए इसके रख रखाव और संरक्षण की दिशा में भी उनको जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। चित्रकूट में